पूरा एकदम पागल हो गई क्या तुम? सनक गई है क्या? दिमाग दिमाग खराब हो गया तेरा? जान बचाने के लिए सोच रहा कि जान मारने के लिए? बच्चे तो और बचेगी अभी, नहीं दवा खा के बचेगी। हम कर रहे ना परवा, तू लेने में इतना डर चलेगी? क्या हुआ, ऐसे खाए देख रही है? बाय यार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इट्स बाबू आकांक्षा ब्रश कर रही है, तो उसको ब्रश करने दीजिए। और सुबह का नाश्ता है। यार तुम रो क्यों रहा है? सुबह का नाश्ता छोला और मुढ़ी, काबली चना वाला छोला और ये रहा मुढ़ी। तो जो जो बंगाली है उनको पसंद होगा छोला और मुढ़ी, बताइएगा किसको किसको छोला और मुढ़ी पसंद है। ये देखिए छोला इधर बन के रेडी है घर में, और मुढ़ी तो आप लोग को दिखाई दी। ब्रश कर लीजिए, फिर खाते, फिर आप लोग से बात करते हैं। क्या सूंघ रहा है मैक्सी? मैक्सी देख गया रे। तो चलिए नाश्ता करते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। सो गाइज, मेरा हेल्थ अभी थोड़ा बहुत ठीक है, तो हमारे घर पे एक स्पेशल मेहमान आई है, मेरी छोटी ननद, जिनका कि क्या नाम है आपका? आई है और हमारा सिल्वर प्ले बटन देख करके बहुत खुश हुई है, ढेर सारा फोटो खिंचाइए। तो आज आपका दिन कैसा बीता? पूरा मजा बहुत अच्छा बीता परी के साथ मेरा। हम सोचे चलिए आज वीडियो बना लेते हैं, और ये वीडियो हम डालेंगे। और इनका अभी स्कूल ओपन है क्या आपका? तब पूरा छुट्टी और मजा पूरा। अरे ये बोल दे परी पागा दी एकदम जोर से। तो चलिए अभी परी का जाने का टाइम हो गया, तो ये जा रहे हैं, फिर वापस जल्दी आइएगा। परी इधर कैमरा को एक बार बाय बाय बाय। नानी को फोटो ले लो। सब कोई जा रहे हैं। वाटर नहीं बोला, खोला मास्क को। वाटर नहीं नहीं बोला हमारा। चल काशी जरिया हम लोग का काम। ये पापा आज कर रहे हैं पूजा घर में, तो आप लोग को ये भी दिखाना बनता है। पापा कभी कभी कर देते हैं। तो सब मैक्स क्या करता लेट के, बैठ के तुम देखते रहो खाली, है ना? अरे अच्छा, उसीलिए इसका मन खराब है ना। सो चलिए, आकांक्षा को तो कल रात को ले आए हैं इंजेक्शन दिला के, पर बहुत रोए इंजेक्शन लेते हुए। क्या बताएं कि हम जितना हमसे रिकॉर्ड हो पाया उतना हम कर दिया आप लोग को दिखाने के लिए, और इसको भी दिखाने के लिए। कैसा रो रही थी मैक्सी? नो डिबर्बिंग हो रहा तुम्हारा, दिखा तो मैक्सी। हाँ आँख से रो रहा है क्या तुम? आकांक्षा को डिबर्बिंग का दवा खिलाएंगे मैक्सी, है ना? क्या बाबू? सो चलिए, सुबह का नाश्ता था क्या था, रोटी और भुंजिया खा लिए हम लोग, और थोड़ा काली बाड़ी मंदिर जा रहे थे, तो आप लोग देखिए मंदिर का वीडियो। ओके ओके, तुमको दिखाएंगे हम घर में। देखो तुम कैसा दिख रही है, देखो पूरा एकदम पागल हो गई है क्या तुम? सनक गई है क्या? दिमाग दिमाग खराब हो गया तेरा? जान बचाने के लिए सोच रहा कि जान मारने के लिए? बच्चे तो और बचेगी अभी, नहीं दवा खा के बचेगी। हम कर रहे ना परवा, तू लेने में इतना डर दिखाएंगे तो भाई। अच्छा उधर मत देखो तुम, हमको 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 उधर देखना ही मत, फिर उधर देख रही है। हम लोग काली मंदिर आए। क्या बाबू प्रणाम करो यहीं से, मोजा खोल के जाना चाहिए अंदर। क्या है मंदिर देख के डर लग रहा है? तब तेरा शरीर पर कोई हावी है क्या? हो सकता है ना क्या? सो गाइस, बाबा साहब बोले कि एगो मतलब बाबा
एक पूजा करवाना पड़ेगा, मतलब हम लोग पे कोई हावी हो जाता है ना, सही बात है कि नहीं बोलो। तो ये है कौन से भगवान है? राधे कृष्ण। देखिए राधे कृष्ण का प्रतिमा को ये देखिए, देखो बाबू इधर, तो चलिए देख लीजिए इधर से देखो तो ना कैसा दिखता है मंदिर। और ये देखिए मंदिर का कुछ भी हो, ये है कालीबाड़ी मंदिर जो सेक्टर 8 के पास है, आप लोगों को पता ही होगा क्या बाबू, है ना। यहाँ पे जो शाम को आरती होता है ना बहुत सुंदर आरती होता है, तो आप लोग आइएगा ना आरती में। बोकारो स्टील सिटी से जो है उनको तो पता ही होगा, हाँ तो शंकर जी का मंदिर है, चलिए वहाँ भी चलते आप लोग को दिखाते हैं। इधर देखिए आप लोग छोटे से शंकर जी का मंदिर है क्या, देखिए आकांक्षा को पूरा डर लग रहा है मंदिर में आई है तो, नहीं लग रहा मतलब मंदिर में डर रही है, मतलब समझ सकते हैं आप लोग, कोई तो हावी कर रहा है इसका शरीर को, है कि नहीं। अभी इसका फीवर ठीक हो गया नहीं हो गया बाबू, देखिए शंकर जी का मंदिर प्रणाम कर लेते हैं, प्रणाम करो। वहीं से प्रणाम कर लो, चले गए। क्या हुआ ऐसे काहे देख रही है? बाय यार, मंदिर में कौन डरता है, घर चले गई, चलो थोड़ा देर बैठ लो। हाँ ये मंदिर देखिए इधर का, आने को सच सच बता, अजीब लग रहा है ना, भगवान से डर लग रहा है, मतलब तुम शैतान बन गई है क्या, पूरा ठंडा बुखार पूरा खत्म हो गया ना, पूरा नॉर्मल लग रहा है। पता है यहाँ पे जब ये होता है ना आरती शाम को बहुत अच्छा लगता है सुनने में, हाँ शाम को। देखिए बंगाली से क्या लिखा हुआ है, कालीबाड़ी है ना काली माँ का, हो सकता है कोलकाता भगत जी इस तरह कुछ लिखा हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है ना बाबू। वहाँ कुछ कुछ होता है क्या? वो ये नृत्य यू है ना, वो विवाह मंडप है, वो देखिए विवाह मंडप है, शादी होता है और वो नृत्य का, तो हम लोग वहाँ पे शादी, नाना जी काली माँ के भक्त है और दादा मेरे गांव में सबका दुख दूर करते हैं और हम तुम्हारा भक्त है, नहीं है बोल, सीधा चलो सीधा। सो गाइस अभी आकांक्षा का एक पूजा करवाना पड़ेगा तो आप लोग को मिलेगा, मतलब कि हम लोग पे ना कोई हावी होते जा रहा है कि नहीं, तो हम लोग को पूजा करवाना पड़ेगा, तो पूजा करवाएंगे फिर आप लोग को दिखाएंगे, तो काली माँ से ही। सो गाइस अभी आकांक्षा का तबीयत खराब है, ठीक ही नहीं हो रहा, तो फिर उसको देखे जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो जा रहे पहले भैया बुलाए उनसे बात कर लेते हैं, तब तक वो और मम्मी तैयार हो जाए उसके बाद जाएंगे हम लोग, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर। सो गाइस बस मास्क लेने के लिए रुके थे आकांक्षा के लिए और मम्मी के लिए मास्क ले रहे हैं, क्योंकि बिना मास्क का तो हॉस्पिटल में एंट्री देगा नहीं आने के लिए, तो मास्क ले लिए हैं अब बस चलते हैं, ये गए हैं चैन लाने के लिए, कुछ उनके पास छुट्टा नहीं है, तो बस मम्मी और आकांक्षा वहाँ वेट कर रही है और हम इधर जाएंगे। इधर जो आप लोग को दिख रहा है ना मेडिकल, ये सब मेडिकल में गए हैं, आप लोग को पता ही होगा मेडिकल कहाँ पे है, इधर लक्ष्मी मार्केट में ढेर सारा मेडिकल है, तो बोला कि यहीं पे लेडीज़ के लिए स्पेशल डॉक्टर बैठा है, तो यहीं पे आए हैं बस, मम्मी और आकांक्षा वहाँ वेट कर रही है, हम लाए उन लोग के लिए कुछ खाने के लिए, ले जाते हैं, बोलिए भूख लगा कुछ खाने के लिए ले आओ, तो ले जाते हैं, अभी वेट किया 33 नंबर मिला है उसको, तो बस अभी चलते हैं उसके पास कुछ खाने को देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से बात करते हैं, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ही उसका खराब है, क्या बताएं आप लोगों को, तो वहाँ उन लोग को वेट करने के लिए दे दिए हैं, बोले कि बैठो हम थोड़ा इधर वीडियो एडिट कर रहे हैं, बैठ कर आराम से आप लोग को वीडियो दे देंगे ना, उनको बैठे हुए कह, तो चलिए उसके लिए कुछ खाने का, बोल रही है कि मीठा नहीं खाना है, कुछ पेटीज वेटीज ले, तो पेटीज लेके जाते हैं फिर आप लोग से बात करते हैं। इधर देख लीजिए कुछ इस तरह का व्यू है, इधर ये देखिए, इधर दिल्ली पब्लिक स्कूल के बगल में है, बहुत किसी को पता ही होगा, तो चलिए ले लेते और आप लोग दिखाते हैं। ओहो तो अंकल के पास तो पेटीज है नहीं, तो कुछ और ले लेते हैं, अपने मुझ पे आरोप इसलिए लगाए अंकल केक है क्या पॉलिटिकल सवाल दे दीजिए ना, केक दे दीजिए, पूछ
केक ले लेते हैं। कप केक है? कप केक मत दीजिए अंकल, ब्रेड वाला केक नहीं है क्या? वो क्या है वो? वो बर्थडे केक। बर्थडे केक है? दे दीजिए आप हमको ना कुरकुरे या बिस्कुट, ये दे दीजिए, लेस दे दीजिए। सामने लगा हुआ कौन सा चाहिए आपको? निकाल लें अंकल। एक पानी का बोतल दे दीजिए। तो पानी का बोतल और लेज ले लेते, फिर चलते हैं तांशा के पास। ये पानी और लेज ले लिया कांचा के लिए। सो चलिए चलते हैं, वहाँ बैठी हुई है कांचा, वेट कर रही है, तो उसको देते हैं पानी और ये लेज, फिर आप लोग से बात करते हैं। बाय। ठीक है, अभी टाइम लगेगा, पहले जिसका फर्स्ट फर्स्ट नंबर है उसको देखेगा, उसके बाद देखेगा। लो तो लो फोन ले जा, लो हम आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे। लो गुपचुप खाएंगे तो दिखा लो, तुम खा लो वहाँ, कुछ और खाना तो ले लो। ठीक है, और पूछना अगर कुछ खाना तो फोन करने बोलना। ठीक, आ चुका है, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो पे, क्योंकि डॉक्टर आ गया तो हमको रहना पड़ेगा, नहीं तो कांचा घर हड़बड़ा जाती है, इंजेक्शन देखती है और उसको डर लगने लगता है, तो भाग जाएगी, कहीं हमको डर है कहीं भाग ना जाए, क्योंकि इंजेक्शन से आप लोग देखिए इस वीडियो को कि कितना रोई है, इंजेक्शन लेती ही नहीं है, बोलती है दवा से ही हमको ठीक कराना चाहिए, जैसे भी कराएगा तो हमको जाना ही पड़ेगा उसके पास, तो डॉक्टर आ चुकी हैं तो हम चलते हैं उसके बाद। चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो पे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, और भाई को सपोर्ट कीजिएगा, आपको कार सुझाव तो जरूर सपोर्ट।